बिछाए गए सियासी गोटे आखिरकार काम करने लगी हैं। ऐसा इसलिए लग रहा है कि बीजेपी में ही दो फाड़ हो गए हैं। बीजेपी ने यहां पर जनता दल एस गठजोड़ को सीट दी है, लेकिन बीजेपी का एक खेमा इस फैसले से नाराज है और पूर्व सांसद रहे कुंवर हरवंश सिंह की बहू नीलम सिंह, जो कि अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं, उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर भाजपा व अपना दल में दरार पड़ती साफ नजर आने लगी है। भाजपा का एक खेमा गठबंधन धर्म को तोड़ते हुए प्रत्याशी नीलम सिंह के लिए चोरी छुपके वोट मांग रहा है। देखिए रिपोर्ट। भाजपा जिला इकाई के जिला अध्यक्ष, राजमंत्री व बदलापुर विधायक सहित तमाम पार्टी के पदाधिकारी साथ हैं, जो शीर्ष नेतृत्व के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए अपना दल की प्रत्याशी रीता पटेल का खुलेआम विरोध कर रहे हैं। तो दूसरा खेमा अपना दल के साथ खड़ा है, जिसमें जाफराबाद विधायक व केराकत विधायक दूसरे खेमे के तौर पर मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। अपना दल के प्रदेश सचिव पप्पू माली ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान भाजपा जिला इकाई पर गठबंधन धर्म को पालन न करने का आरोप लगाते हुए सियासी महकमे में हड़कंप मचा दिया। अपना दल के दो प्रत्याशी मैदान में उतरने से बाहुबली का सहयोग बैकडोर से करती हुई बीजेपी नजर आ रही है, जिससे कहीं न कहीं बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी की पत्नी का सहयोग भी बैकडोर से करती नजर आ रही है, जबकि नीलम सिंह भाजपा की जिला पंचायत सदस्य के रूप में आज भी हैं और जब ये सीट गठबंधन में चली गई और ये निर्दलीय बागी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन भाजपा की जिला इकाई ने अभी तक नीलम सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की, जो भाजपा जिला इकाई पर एक बड़ा सवाल है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी संगठन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना दल के साथ, ऐसा कोई विषय नहीं, हमारा किसी से विरोधी नहीं, ये तो लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। निश्चित रूप से हर दल की इच्छा होती है हमारा हमारी पार्टी के प्रत्याशी लड़े, हम भी पैरवी कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लड़े, लेकिन नेतृत्व ने तय कर दिया कि ये सीट अपना दल जाएगी, तो हम लोग पूरी निष्ठा निष्ठा ईमानदारी के साथ अपना दल प्रत्याशी के साथ। इसलिए लगा कि हमारे नामांकन में कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आया। पहले से तय कार्यक्रम कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन एवं जिला पंचायत अध्यक्ष का नामांकन 26 तारीख को होना है। तय कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष का नहीं आना, दो दो जिला अध्यक्ष जनपद जौनपुर में सकारात्मक रूप से हैं, तो ये बहाना पच नहीं पाया। जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भाजपा का जिला इकाई का अपना दल एस के प्रत्याशी का विरोध कहीं राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा से अलग होकर अपना दल एस अलग रास्ता न बना ले, क्योंकि भाजपा का विरोध की चर्चाएं राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई हैं। तो दूसरी तरफ अपना दल और माफिया का गठजोड़ तो नहीं, जो अपना दल के सहयोग से भाजपा में बैकडोर से अंदर जाने का रास्ता तो नहीं बना रहा है। अपना दल के दो दो प्रत्याशी व भाजपा का बागी एक प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरने से कहीं न कहीं बाहुबली की पत्नी श्री कला रेड्डी के लिए जीत का मार्ग तो नहीं प्रशस्त कर रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।